मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश जारी कर दिया है, लेकिन नोएडा में खाने पीने की दुकान चलाने वाले दुकानदारों को अब तक ये आदेश नहीं पहुंचा है। देखिए अभय पराशर की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और समझिए कि दुकानदारों के पास अब तक ये जानकारी कहीं पर पहुंची है कहीं पर नहीं पहुंची है। ग्राउंड पर रियलिटी है उसका जायजा लेने के लिए इस वक्त हम पहुंचे हैं नोएडा में सेक्टर 15 से पहले। ये एक दुकान है आरिफ चिकन मुरादाबादी शाही बिरयानी। यहाँ पर अलग अलग तरीके का नॉनवेज जो आइटम है वो यहाँ पर मिलता है। यहाँ के फिलहाल जो यहाँ के कर्मचारी हैं उनसे एक बार बात करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? मेरे नाम आरिफ है सर। आरिफ, आप ही का नाम आरिफ है? हाँ। आपकी दुकान है? दुकान हमारी नहीं है, दुकान नाम से करवा रखी है मेरे। चिकन वगैरह धो रहे हैं आपने ना, मास्क नहीं लगाया हुआ, हाथ में ग्लव्स नहीं पहने हुए हैं। वही सर, यहाँ पर इतना देखते नहीं है लोग, इसलिए भाई कोई करते नहीं है यहाँ पर। सीएम ने आदेश दिए हैं योगी आदित्यनाथ ने कि जितने कर्मचारी हैं जितने मालिक हैं उन सबको मास्क लगाना पड़ेगा, हाथ में ग्लव्स, साफ सफाई का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। सही है, ध्यान रखेंगे। चिकन बिरयानी की दुकान है, अभी जो नया आदेश आया है वो पता चला है आपको प्रशासन का? नहीं। ये देखिए, ये चिकन बिरयानी जो है वो यहाँ पर आप बेचते हैं और काफी लोग यहाँ पर आते हैं सुबह सुबह। क्या नाम है आपका? अरशद खान। अरशद, ये बताओ कि अभी यूपी के सीएम ने कल एक आदेश दिया है, उन्होंने ये कहा है कि जो भी ऐसे खाने पीने की दुकानें चलाते हैं वो साफ सफाई का बहुत ध्यान रखेंगे और मास्क लगाना जरूरी है। आपको क्या पता, क्योंकि मैं देख रहा हूँ अभी लोग खा रहे थे, मास्क आप नहीं लगा रहे? मास्क ने हमें आदेश आया पता नहीं है ना। अच्छा, आदेश आएगा पता लगेगी तो पहनेंगे, पालन करेंगे आदेश का। इसमें चलते नहीं ना, चिकनाई के रहते ना, खराब हो जाते हैं ग्लव्स। अच्छा, तो जो लोग यहाँ पर आते हैं, आप लोग बनाते कहाँ पर है बिरयानी? अपने घर पे। घर पे यहाँ पर लाके सीधा बेचते हैं? हाँ। यहाँ सीसीटीवी कैमरे वगैरह लगाए हैं आपने अपनी दुकान के आसपास? ये लगे हुए। ये आपकी दुकान के लगे हुए? दुकान है। तो साफ सफाई को लेकर जो कहा गया है उस आदेश के बारे में क्या सोचते हैं आप? साफ सफाई तो हमारे खाने पीने का ही तो साफ सफाई का काम है, गंदगी रखेंगे तो कस्टमर कहाँ से आएंगे, शुरू से साफ सफाई रखते हैं। ऐसी कई तस्वीरें वीडियो आई निकलकर अलग अलग जगहों से जिसमें कोई जूस के अंदर गलत हरकत कर रहा है, कोई खाने में थूक रहा है, उसके बाद ये प्रशासन ने आदेश दिया है? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, ये तो साफ सफाई होना चाहिए और जो जितने भी दुकानदार हैं उनको मास्क लगा के ही वर्क करना चाहिए, क्योंकि और जो भी खाने का चीज है उसको ढक के रखना चाहिए, मक्खियां ना पड़े वगैरह वगैरह, जो धूल मिट्टी डस्ट जो होते हैं उस पे ना पड़े और लोग सही रहें उससे, और सही तरीके से ढंग से बनाना भी चाहिए। और ये जो लोग कर रहे हैं वो गलत है, बहुत ही ज्यादा मतलब गलत है ये चीज। नहीं, सीएम योगी आदित्यनाथ ने होटल ढाबा और रेस्टोरेंट मालिकों के नाम डिस्प्ले करने का आदेश दिया तो इस पर सियासत शुरू हो गई है। अब देखिए इस पर अलग अलग जगह अलग अलग तरह से बयान सामने आने लगे। विपक्ष सीएम योगी पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना करने का आरोप भी लगा रहा है और इसकी वजह क्या है आप वो जान लीजिए। करीब 2 महीने पहले यानी कि सावन के महीने में जब कांवड़ यात्रा चल रही थी तब योगी आदित्यनाथ सरकार की तरफ से कांवड़ रूट में पड़ने वाले सभी शॉप और दुकानदारों के नाम लिखना अनिवार्य कर दिया था। इस पर भी आपको याद होगा कि खूब बवाल हुआ, सियासत भी हुई और मामला सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार के इस फैसले पर अंतरिम रोक भी लगा दी थी और ऐसे में अब जब योगी सरकार ने दोबारा नेम प्लेट का आदेश दिया है तो उस पर भी सवाल उठने लगे। विपक्ष ये पूछ रहा है कि जब सुप्रीम कोर्ट रोक लगा चुका है तो भी ऐसा काम दोबारा क्यों किया जा रहा है? सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी जब इन्होंने ये लागू करने का प्रयास किया था, सुप्रीम कोर्ट ने सख्त आदेश करके उसको खामोश किया था, लेकिन सख्त आदेश किया था कि इस टाइप का नाम नहीं लिखे जाएंगे, लेकिन अब दूसरी तरह से इन्होंने ये लागू करने का प्रयास किया। मैं यही कहूँगा बीजेपी सिर्फ हिंदू मुस्लिम के बात पर आकर के अटक जाती है, इसके अलावा उसके पास कोई चुनाव लड़ने का, राजनीति करने का कोई मुद्दा नहीं है, ना विकास का है ना कानून व्यवस्था का है। अब उनको समझना चाहिए और इन बातों से हटकर कर करके जनता के, आम जनता के बारे में सोचना चाहिए। अब देखिए इस पूरे मामले को लेकर समाजवादी पार्टी भले ही सीएम योगी आदित्यनाथ के फैसले पर सवाल उठा रही है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का हवाला दे रही है, लेकिन योगी सरकार ने इस बार सुप्रीम कोर्ट के आदेश का ही आधार मानते हुए इसे अमल में लाया है, निर्देश जारी किया गया है। सुप्रीम कोर्ट फिर नेम प्लेट पर योगी का ऑर्डर क्यों जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पहले ही अंतरिम रोक लगा दी गई, अब आप वो समझ लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने कांवड़ यात्रा के दौरान अंतरिम रोक लगा दी थी, सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस द्वारा लागू करने पर
सवाल भी उठाए थे कि पुलिस इस तरह का जो नियम है वो अपने आप लागू नहीं कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पुलिस नहीं, जिम्मेदार विभाग जो है उसे इस तरह का नियम अगर लागू करना है तो फिर उनका हक है, उन्हें करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने FSSAI 2006 को आधार भी बताया था और सुप्रीम कोर्ट के इसी ऑर्डर को सीएम योगी आदित्यनाथ ने आधार बनाया। आदेश यूपी खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग की ओर से जारी किया गया। पहले सुप्रीम कोर्ट ने रोक क्यों लगाई थी, क्योंकि पुलिस तब इस पूरे मामले को पुलिस की ओर से ही उठाया गया था और नेम प्लेट लगाने का जो ऑर्डर था वो पुलिस ही दे रही थी। ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट जब पहुंचा तब सुप्रीम कोर्ट ने उस पर अंतरिम रोक लगा दी थी और ये साफ साफ कहा था कि जो जिम्मेदार विभाग है वो इसे लागू करे। और अब यूपी खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग ने ये आदेश जारी कर दिया है।